वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तोरई के पत्तों की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये इसका बनाने का तरीका जैसे हम अरबी के पत्तों की सब्जी बनाते हैं, सेम उसी तरह से ये सब्जी भी बनाई जाती है। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों। और काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि तोरई के पत्तों की भी सब्जी बन सकती है। पर जी हाँ, तोरई के पत्तों की भी सब्जी बन सकती है। तोरई जिस सीजन में होती है उसी सीजन में आप उसकी बेल से ताज़े ताज़े पत्ते तोड़ लीजिए और इसकी सब्जी बनाइए। तो ये बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। इसको इसकी सब्जी खाने से आपके अंदर जो खून की कमी है उसको भी ये पत्ते पूरा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, आयरन है। और तो दोस्तों, ये है हमारे तुरई के पत्तों की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। और इसको आप इस तरह से बनाकर चपाती या राइस के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से बनाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई के पत्ते की सब्जी, यानी तुरई के पत्तों की हम सब्जी बनाएंगे। ये तुरई के पत्ते हैं और ये बारिश के सीजन में तुरइयाँ आपको हर जगह मिल जाती हैं और इनके पत्ते भी बेलों से आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। ये मसाले ले लिए हैं हमने, और ये हमने प्याज ले लिए हैं, टमाटर ले लिए हैं, लहसुन ले लिया है, और ये अजवाइन और हींग, और एक कटोरी हमने बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए बेसन डालेंगे एक बाउल में, और उसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे आधी से चम्मच, और थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, और नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला, और हींग, हल्दी, ये थोड़ा थोड़ा मसाला हम डालेंगे और इसको पानी से डाल के इसका घोल हम तैयार करेंगे। तो इस तरह का हमने घोल बना लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक एक पत्ता लेंगे और उसके ऊपर हम ये बेसन का पेस्ट लगाएंगे। सभी पे अच्छे से हम इस तरह से कोट कर देंगे बेसन से। और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो सभी हमने इसी तरह से फोल्ड करके रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया है पानी बॉईल करने के लिए। पानी अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। इस पर रख देंगे एक छलनी, और इस छलनी पे हम हल्का सा थोड़ा तेल लगा के इसको चिकना कर लेंगे, जिससे कि हमारी ये अरबी के पत्ते से चिपके नहीं। और बस अब हम इसको डालेंगे और इसको हम स्टीम करेंगे। तो 5-6 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे, जब तक हमारा बेसन अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हम इसको स्टीम करेंगे। ढककर हम कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये टमाटर बारीक काट लिए हैं, और प्याज भी और लहसुन भी, इनको हम अब चॉप करेंगे। तो इस तरह से हमने ये बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया है, पेस्ट तैयार कर लिया है टमाटर और लहसुन का। अब यहाँ पर हम प्याज को ही पीस लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारे ये पत्ते अच्छे से जो है ना स्टीम हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। और अब हम इनके छोटे छोटे पीस काटेंगे और इनको अब हम थोड़ा सा एक पैन में तेल डालेंगे और इनको हम हल्का सा रोस्टेड फ्राई करेंगे। निकाल लेंगे, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं सभी को। इस तरह से हम तल लेंगे, ये हमने निकाल लिए हैं तल के सारे। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, आधी चम्मच जीरा डाल दिया है, और जो प्याज हमने पीसी थी हमने वो प्याज भी डाल दी है। अब हम प्याज को हल्का सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। इसमें हमने लहसुन और टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है, और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च डाल दी है टेस्ट अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला और सौंफ पाउडर, और ये हल्दी, नमक, ये सब डालेंगे, और इसमें पानी डालकर इसको हम मसाला तैयार करेंगे, भूनेंगे। इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास भर के गिलास पानी डाल दिया है, और अच्छे से हमारा पक चुका है पानी मसाले के साथ।
और अब हम इसमें ये जो हमने स्टीम करे थे अपने अरबी के पत्ते, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारा 5 से 6 मिनट तक इसको पकने में टाइम लगेगा। और बस ये हमारी सब्जी बनके तैयार है दोस्तों। हरे धनिए से हम इसको सजाएंगे इस तरह से ऊपर से, और ये देखिए हमारी कितनी बेहतरीन सब्जी बनके तैयार है दोस्तों। ये सब्जी